हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है परमजीत कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल ए परमजीत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, यदि आप फोन पे से रेंट पेमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, इजीली आराम से आप फोन पे से रेंट पेमेंट कर सकते हैं फर्स्ट टाइम। अगर आप नए यूजर हैं तो आप इजीली आराम से इस वीडियो को देख के आप सीख पाएंगे कि रेंट पेमेंट कैसे करें फर्स्ट टाइम। तो भाई, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको रेंट पेमेंट करना है। तो भाई, आपसे छोटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दो यहाँ पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए वीडियो देख रहे हो, धीरे करने बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन छोटा सा घंटी दबा दो, ऑल के ऊपर क्लिक कर दो, जैसे कोई भी नए वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन से वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको फ़ोनपे के एप्लीकेशन में आना होगा। फ़ोनपे के एप्लीकेशन में आने के बाद दोस्तों, अगर आप फ़ोनपे एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर में जाकर वहाँ पर सर्च करिए फ़ोनपे, वहाँ अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट कर लेना। अपडेट कर लेंगे तो दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा तो भाई जरूर फ़ोनपे को अपडेट कर लेना प्ले स्टोर से। दोस्तों, आपको 100% आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा रेंट पेमेंट का ऑप्शन। तो जैसे ही फ़ोनपे एप्लीकेशन में आ जाएंगे सब चीज़ करने के बाद, उसके बाद इस पेज को ऊपर करना थोड़ा सा ऊपर करने के बाद दोस्तों, आप देखिए एक ऑप्शन मिलेगा रेंट पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। मोबाइल रिचार्ज, DTS, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड बिल, उसके बाद रेंट पेमेंट का ऑप्शन मिला है। तो आपको रेंट पेमेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड से कैसे पेमेंट करना है रेंट पेमेंट। बहुत सारे व्यूअर के कमेंट आता है कि क्रेडिट कार्ड से मुझे पेमेंट करना है रेंट पेमेंट, मेरे पास अकाउंट में बैलेंस नहीं है, मैं क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट करना है। तो दोस्तों, इजीली आराम से क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप रेंट पेमेंट वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ बता रहा है कि पे UPI की डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं इजीली आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और ये हम देखिए अप टू 45 दिन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड इन्हें ऐसी बता रहा है, यानी 45 दिन तक आपको कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड से। अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको पता होबे करेगा, तो आपको यहाँ पे टिक बॉक्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ देखिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद और यहाँ देखिए मांग रहा है कि रेंट अमाउंट कितना, आप रेंट का पेमेंट करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 4000 रुपये डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और ये देखिए मैं 4000 रुपये डाल दिया। इसके देखिए बता रहा है कि प्रॉपर्टीज नेम, तो आप यहाँ पे नाम रहता है कुछ भी, एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैं अपना नाम देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दे देता हूँ मैं यहाँ पे परमजीत कुमार। वीडियो है शुरू से लास्ट तक देखिए, मैं दे दी हूँ अपना नाम। और एग्जाम्पल में देखिए यहाँ बता रहा है जिसका नाम बता रहा है आप वहाँ पर देते प्रॉपर्टीज नेम दे देना, ठीक है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ भी नाम डाल दिया, कोई दिक्कत है, उसका कंटिन्यू क्लिक करना होगा। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद और ये देखिए बता रहा है कि लैंड रोड नेम ऐसी कुछ बता रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं भी कुछ भी नाम दे देता हूँ, मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहेंगे तो भाई कुछ भी यहाँ पर नाम दे देते, जिसका नाम चाहे उतना देते हैं। यहाँ देखिए बता रहा है कि बैंक रिकॉर्ड, यहाँ बता रहा है कि लैंड रोड नेम इज ए पर बैंक रिकॉर्ड ऐसी कुछ बता रहा है, तो अब उसके अनुसार से आप डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर यहाँ देखिए बता रहा है कि मोबाइल नंबर हेल्प इन वेरीफाई फोन पे यूजर। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे किसी का नंबर दे देता हूँ, यहाँ फोन पे वेरीफाइड नंबर बता रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं किसी का नंबर दे दिया हूँ। उसके बाद यहाँ बता रहे एड बैंक अकाउंट, यानी पे किस पे करेंगे, यानी लैंड रोड एस अकाउंट, यानी उसको बैंक अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं या UPI ID के थ्रू पैसा भेजना, यानी उसके UPI ID में पैसा भेजना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए उसका बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ, तो एड बैंक अकाउंट वाले क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ देखिए एग्जाम्पल के लिए आ जाएगा, उसके बाद आपको प्लस पर क्लिक करना होगा। प्लस पर क्लिक करने के बाद जो भी आप उसका बैंक, तो एग्जाम्पल के लिए तो बहुत सारे को बैंक अकाउंट SBI का होता है, तो SBI सेलेक्ट कर जिस बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं उसी बैंक का नाम, तो अभी मैं SBI का सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। SBI सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद देखिए बता रहा है अकाउंट नंबर, यानी अकाउंट नंबर फिर से अकाउंट, यानी सेम टू सेम अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, ऊपर नीचे सेम टू सेम अकाउंट नंबर। उसके बाद आपको नॉट रिक्वायर्ड FSC कोड बताया, तो कोई दिक्कत नहीं, FSC कोड नहीं मांग रहा है तो आप यानी FSC कोड नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं, तभी भी दोस्तों बैलेंस पहुंचेगा। कोई खाली अकाउंट नंबर सही डालना, उसका अकाउंट होल्डर का नाम डालना, अकाउंट होल्डर का नाम डालना, निक नेम में कुछ भी डाल सकते, उसका यहाँ पर कन्फर्म करना। तो दोस्तों, मैं अपना सब चीज़ डिटेल्स डाल के आगे प्रोसेस दिखा रहा हूँ, वीडियो भाई शुरू से लास्ट तक देखते। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अपना पूरा मैं अपना डिटेल्स डाल दूँ, यानी अकाउंट नंबर जो मैं फर्स्ट डाला हूँ वही आपको अकाउंट नंबर उसी जिसका आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं उसका ही अकाउंट नंबर डाल। दोस्तों, आप अपना अकाउंट नंबर मत डालना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी मैं डाला हूँ ये मेरा भी वाला मत डाल देना, ठीक है। जिसको आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर डालना, ठीक है। यहाँ पे तो एग्जाम्पल के लिए मैं उसका डाल दिया हूँ। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं अपना ये डाला हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा किया हूँ, ठीक है।
जिसका आप रेंट पेमेंट करेंगे उसका ही अकाउंट नंबर डालना और सब चीज़ डालना, ठीक है। तो अकाउंट नंबर डाला फिर आपको सेम टू सेम यानी ऊपर नीचे सेम टू सेम आपको अकाउंट नंबर डालना। अगर आपको एफएससी कोड नहीं मांगेगा तो एफएससी कोड नहीं देना, अगर आपको मांगेगा तो एफएससी कोड दे देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तभी भी पैसा हो जाएगा ट्रांसफर। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, उसके बाद उसका मोबाइल डालना, उसके बाद आपको निक नेम में कुछ निक नेम में डाला सकते डाल सकते नहीं डाल कोई दिक्कत, उसके बाद कन्फर्म क्लिक करना होगा। कन्फर्म क्लिक करने के बाद देखिए तो इसका बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है, उसके बाद उसका नाम भी से हो चुका है, उसके बाद आपको कंटिन्यू क्लिक करना होगा। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद देखिए हम बता रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, क्या चीज़ आप पेमेंट करना है। एग्जाम्पल के मैं आपको बता चुका हूँ कि आप UPI में आपको ऑप्शन नहीं बताया हूँ, अगर आप UPI चाहते हैं तो UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन टिक रहने देना, उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करूँगा। नीचे में प्रोसीड टू पे वाले क्लिक करने के बाद इस पेज को ऊपर करना दोस्तों, देखिए उसका सब चीज़ नाम को आ चुका, बैंक अकाउंट आ चुका, 3 डिजिट का लास्ट का, उसका कौन सा बैंक है वो भी आ चुका है, रेंट पेमेंट भी आ चुका है, उसका नाम भी आ चुका है, सब चीज़ देखिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। उसका बता रहा है कि यहाँ पे 75 रुपये चार्जेस लगेगा आपको, ठीक है, एडिशनल चार्जेस लगेगा, GST लगेगा, और ये बता रहा है। और आपको यहाँ पे क्रेडिट, अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो आप क्रेडिट वाले यानी क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन में टिक करना, अगर आपको डेबिट कार्ड से ऑप्शन करना है तो डेबिट कार्ड, अगर आपको यहाँ पे अदर कोई डेबिट कार्ड है तो आपको यहाँ पे नीचे में अदर डेबिट कार्ड पर क्लिक करना होगा। तो मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का जो नंबर तो वो क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना, CVV नंबर जो MM जो डेट ऑफ जो भी होता है कार्ड के ऊपर जो भी लिखा होगा डेट ऑफ बर्थ वो आपको डाल देना, एक्सपायरी डेट सब्जी वो CVV नंबर डाल के उसको पे रेंट पे क्लिक करना, उसका OTP है OTP डाल देना, उसका आपको सक्सेसफुल ही दोस्तों आपको पेमेंट हो जाएगा 4000 रुपीज़, और आपको 42 यानी 52 रुपये GST कटेगा, कोई दिक्कत है दोस्तों, और आपका पेमेंट सक्सेसफुल ही हो जाएगा। अगर आपको भाई वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो जिससे वो भी सीख पाएँ कि फ़ोनपे से रेंट पेमेंट कैसे करें क्रेडिट कार्ड से। अगर आप UPI करें तो UPI भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फुल प्रोसेस के साथ बता दिया हूँ कि इजीली आराम से कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो जिससे वो भी सीख पाएँ कि फ़ोनपे से रेंट पेमेंट कैसे करें फर्स्ट टाइम। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।